हरियाणा के अंदर अब तक बोली क्यों नहीं आ सारा दिन से, दो दिन के बाद बोली क्यों खुली, तो पूरा हरियाणा आज से चार दिन पहले खुल गया था। अरे वो कंडीशन थी लगभग आरतियों का सरकार का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो सारा का सारा शॉर्ट आउट हो गया था और जो इनकी स्ट्राइक थी वो भी नहीं खोली। उसके बाद सिर्फ चौहाना की मंडी में परचेज क्यों नहीं शुरू हुई, मैं इस बात को समझता हूँ। चलो को एक ड्रामा सा करवाया गया, उस ड्रामा के बाद परचेज दो दिन पहले क्यों नहीं थे, पूरे हरियाणा में हुई, मैं आपसे पूछा था। परचेज तो हुई कल से हरियाणा हुई है, हड़ताल पूरे हरियाणा में अपनी परचेज कब से शुरू हुई है? पूरे हरियाणा में 20 से शुरू हुई है सर, हमारे यहाँ कब से शुरू हुई है? 20 को ये लोग स्ट्राइक पे थे, 21 को स्ट्राइक पे थे, 22 की रात स्ट्राइक होली। पूरे हरियाणा की स्ट्राइक का हमारा जो हमारे मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम के साथ जो पूरे हरियाणा के व्यापारी भाइयों के जो प्रधान जी हैं इनकी जो कमेटी है उनका समझौता हमारा किस तारीख को हो गया सर? इनकी उनका समझौता हुआ था 22 तारीख को सुबह, इनकी हड़ताल हुई थी 22 को शाम को, 23 तारीख को ऑक्शन हुई है यहाँ पे और आज ऑक्शन चल रही है। दो दिन लेट बता रहे थे आप, कौन बता रहे बता दिया आपने? कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जो पिछले 4-5 महीने की फ्रस्ट्रेशन हुई थी चुनाव में, बस ये काम ये कर दो, सबसे बढ़िया तो कर दो कि इसको अच्छे शब्दों में समझा दो भाई, लोगों को तो तंग करना परेशान करना बंद कर दे, किसी के इशारे पर नाचना बंद कर दे। एक बात, अगर ये बंद नहीं करती तो इसको स्टेशन में दे दो, सीरियसली ले लेना, कल को फिर आप मैंने भी अरेस्ट करोगे, मैं उधर किसान आड़ती कर ले, मैं तो बैठ दूंगा मंडी में आगे लेकर के इकट्ठे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जी, मैं इस तरह का आदमी आपका छोटा भाई का पता तो आपको। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरे मंडी की ये समस्या आज शाम तक छोड़, आप उनसे फोन करके ये पूछो चौहाना के अंदर अब तक बोली क्यों नहीं आ सारा दिन से, दो दिन के बाद बोली क्यों खुली, जब पूरा हरियाणा आज से चार दिन पहले खुल गया था, सारी मंडी फुल है, सारे के सारे आप आस पास की मंडियां फुल है, आज से तुलाई होने लग रही है, उठाई होने लग रही है, हमारी मंडी खाली पड़ी है और मेरे टोहाना में ना अनाज आने दिया जा रहा है, और जो आ रहा है उसको बोली नहीं हो रही है, और बोली गलती से किसी की हुई है तो उसकी तुलाई नहीं हो रही है। हाँ, ये रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज इसको पर्सनली देखो, मैं कितनी देर में दोबारा आपसे बात करूंगा बताओ, कर लो फिर आप कर लो, आधा घंटा में दोबारा कॉल करूंगा बड़े भाई, और फिर सामने ले जाऊंगा लाइन पर, और फिर भी नहीं करेंगे और हो जाओ इकट्ठे, मैं तारा नीचे बैठा भाई हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, कुछ परचेजिंग को लेके कुछ एजेंसियां जो हमारे गेहूं की परचेजिंग करती हैं वो पूरे हरियाणा में जो सिस्टम स्मूथ है हमारे टोहाना मंडी में उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ दिखते थी। तो हमारे आड़ती भाइयों की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से पिछले 2-3 दिन से मेरे पास लगातार फ़ोन के माध्यम से इन समस्याओं के बारे में बताया जा रहा था, फिर संबंधित विभाग में मैं जो अधिकारी थे उनसे मेरी बात हुई और आज मैंने आके खुद एक बार जायज़ा लिया और मैंने ये यहाँ पर आकर ये महसूस भी किया कि आज सुबह से यहाँ किसी भी एजेंसी ने इस मंडी में कोई परचेजिंग नहीं की, और जो किसान की फसल जो पहले एक बाउंडेशन थी भाई इतने एक या दो ट्रॉली तक ही आप सुबह लेके आएंगे, एक ट्रॉली शाम को लेके आएंगे, तो उस दिन जब हम यहाँ पहली बार मीटिंग में आए 3 दिन पहले तो ये तय हुआ था। उसके बाद जब ये हमारे आड़ती एसोसिएशन के हमारे आड़ती भाइयों और सरकार के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि उसके अंदर किसान अपनी सारी की सारी फसल एक साथ लेके आ सकता है, बेशर्त कि आगे उठान हो, तुलान के लिए मैन पावर लेबर हो और सोशल डिस्टेंसिंग का हम उसका ध्यान रखें। लेकिन यहाँ कुछ अड़चने थी और आज सरकार में होने के नाते हमारी ड्यूटी है, अभी इन सभी जो समस्याएं थी मैंने हमारे डिप्टी सीएम साहब को भी अवगत कराया, कृषि मंत्री साहब से ही मैंने बातें की हैं, वो कल सुबह तक मेरा ये मानना है कल के दिन में ही शॉर्ट आउट हो जाएंगी और स्मूथ परचेजिंग जो होनी चाहिए, जो और मंडियों में काम जिस तरह से चला हो टोहाना मंडी में भी चलेगा। मैंने सच चीज़ों से हमारे डिप्टी सीएम साहब को भी, हमारे कृषि मंत्री जी को भी उस मामले को लेकर अवगत करा दिया गया और उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे मैंने अपने तौर पर भी बात की है और डिप्टी